रहे हैं उपमा, जिसके लिए हमने दो प्याज लंबे लंबे काट लिए हैं और चार हरी मिर्च काट लिए। उसके बाद हमने पैन में ऑयल लिया है, थोड़ा कढ़ाई में थोड़ा ऑयल लिया है और उसमें राई या सरसों जो आपके पास अवेलेबल हो उसको थोड़ा सा डाला है। जब वो क्रैकल हो जाए तो उसमें थोड़ी सी उड़द दाल डालेंगे। जब इसे ज़्यादा ज़्यादा लाल भी नहीं होने देना है, तो अपना जो प्याज कट किया हुआ है वो हम उसमें डाल देंगे और उसको अच्छे से स्टर करेंगे और हल्का गोल्डन हल्का ब्राउन पिंकिश होने तक उसको बस फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएगा तो प्याज के साथ मैं इसमें अब सूजी डाल दूँगी। अब इसको हम थोड़ा आंच धीमी करके इसको सूजी को भूनने देंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे, नहीं तो सूजी जल जाएगी थोड़ी सी। और आप चाहे तो ये उपमा देसी घी में बना सकते हैं, बट मैं इसको ऑयल में ही बनाती हूँ। देसी घी में उसका अपना अलग ही स्वाद आता है। पानी और बस अब इसको उबाल आने देंगे और हिलाते हैं। नींबू का रस, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, वैसे बनकर तैयार हो चुका है। क्योंकि थोड़ी देर में अपने आप ये पूरा पानी सूजी एब्जॉर्ब कर लेगा। हमारा तैयार है, अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। ऐसा उपमा फिर कहाँ मिलेगा। सही उपमा बनेगा जी, है ना। आप भी ट्राई करें घर पे और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।